नमस्कार, आगे बढ़ते हैं और लेसन चार की बात करते हैं। अभी हम लोग गणित ज्योतिष की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने तिथि और वार पंचांग के पांच अंग में तिथि और वार को पढ़ लिया है और आज पंचांग के तीसरे अंग अर्थात नक्षत्र की बात करेंगे। पंचांग पांच अंगों का कहते हैं, जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण होता है। अगर हम इस सब को अच्छी तरह से समझ लें तो आगे धीरे धीरे हमारे लिए ज्योतिष गणित के रूप में समझना सरल हो जाएगा। तो आप नक्षत्रों की चर्चा पाठ संख्या 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात जो फलित ज्योतिष में पाठ संख्या 10 तक यदि पढ़े हों तो आप नक्षत्रों के नाम आदि आपको याद हो गए होंगे। अब हम सभी जानते हैं कि नक्षत्र कुल 27 होते हैं। अभिजीत नक्षत्र की बात होती है लेकिन हम इसको 27 नक्षत्र ही मान करके चलेंगे और पढ़ेंगे भी। अभिजीत नक्षत्र कहाँ होता है इसको हम लोग आगे समझेंगे। तो 27 नक्षत्र होते हैं और वो भी हम जानते हैं कि ये राजा दक्ष की पुत्रियाँ कही गई हैं। हमारे ज्योतिष में कहानी के भी माध्यम से ज्योतिष को समझने और सीखने का अवसर प्राप्त होता है या कहें समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ हम 27 नक्षत्र को, ये पूरे ब्रह्मांड को 27 टुकड़ों में बटा हुआ मानना चाहिए। और हम पुनः उस बात को दोहराएंगे कि नक्षत्र माइलस्टोन की तरह काम करता है। हमको ग्रह कहाँ स्थित है ब्रह्मांड में इसको यदि समझना है तो हमको नक्षत्रों का ज्ञान होना जरूरी है, राशियों का ज्ञान होना जरूरी है। तो राशि से तो प्राप्त हो गया, मान लीजिए कि 0 से 30 डिग्री के अंतर कोई ग्रह है तो अब वो अश्विनी में है, भरणी में है या कृतिका में है, इसको जानना है। तो नक्षत्र में यदि ग्रहों को हम समझ सकेंगे तो आगे जब हम ग्रह स्पष्ट करेंगे, जब हम पत्रिका बनाएंगे, अपने हाथ से पत्रिका बनाएंगे, यहाँ हम आपको इतना मजबूत करेंगे कि आप जन्मदिन, जन्म तारीख और जन्म समय, जन्म तारीख और जन्म स्थान यदि आपको बता दिया जाए तो आप अपने हाथों से पत्रिका को किस तरह से बना सकते हैं, उसी को हम गणित ज्योतिष कहते हैं। और जब हम पत्रिका बना लेंगे तो दशा कौन सी लगेगी, वर्ग चार्ट बनाना भी सीख जाएंगे। हम आपको वर्ग चार्टों का भी अपने पाठ के माध्यम से फलित ज्योतिष में कुछ सारांश में जानकारी दी है, लेकिन आगे उसकी विस्तृत जानकारी किस तरह से गणितीय पद्धति से बनता है उसको जानेंगे। षडबल ग्रहों के बल को भी गणितीय पद्धति से हम किस तरह से समझ सकते हैं उसको भी हम पढ़ाएंगे। तो इसीलिए यहाँ आप विशेष ध्यान दीजिए जिनको ये है कि हम अपने हाथों से ज्योतिष कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। यदि आप अपने हाथ से कुंडली का निर्माण करने लगेंगे तो बहुत से ग्रहों के बलाबल को स्वतः समझने लगेंगे। पत्रिका में उसको जितने अंशों पर स्थित है उसके आधार पर, जिस नक्षत्र में स्थित है उसके आधार पर, जिस राशि में स्थित है उसके आधार पर, जिन वर्गों में गया उसके आधार पर आप उसके बलाबल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ नक्षत्रों के नाम, जैसे कि आपको याद होगा हम उसको नहीं बताएंगे, हम सिर्फ उसके थोड़े बहुत गणित बताना चाहते हैं। जैसे अश्विनी पहला नक्षत्र है और रेवती 27वां नक्षत्र है, ये हम लोग जानते हैं। तो हम एक नक्षत्र, जब ये पूरे 360 डिग्री का ये ब्रह्मांड है तो हम क्या कहते हैं कि 360 डिग्री को 27 बराबर भागों में बांटा और एक भाग का जो मान है वही नक्षत्र का मान है। हम 27 बराबर भागों में पूरे भचक्र को बांटते हैं तो एक भचक्र जो होता है वो हम सभी जानते हैं 360 डिग्री का होता है। अब 360 डिग्री को 27 टुकड़ों में बांटना है तो 360 डिवाइडेड बाई 27 करते हैं। ये पहले भी संक्षेप में देखा है हम लोगों ने, यहाँ बहुत आराम से करके देखेंगे इसको। तो 27 एक बारी में जाएगा तो यहाँ 16, 16 में से 7 गया तो 9 आ जाएगा और फिर ये यहाँ 0 हो जाएगा।
अब यहाँ फिर क्या आ जाएगा, यहाँ से जीरो हम ले लेंगे और फिर तीन से ये डिवाइड होता है तो तीन से कम यहाँ जाएगा तो 81, फिर ये 9 आ जाएगा यहाँ। अब ये 13 डिग्री हमको प्राप्त हो गया और ये 9 डिग्री रिमाइंडर बचता है। इकाइयों का मान भी आप लोग जानते हैं कि एक राशि 30 डिग्री का होता है और एक डिग्री का 60 मिनट होता है और एक मिनट का 60 सेकेंड होता है। हम कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो अब ये जो शेष में डिग्री बचा है इसको हम लोग 60 से गुना करके और मिनट बना लेते हैं तो ये 560 मिनट का हो जाता है। अब इस 560 मिनट को पुनः हम 27 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से जाएगा तो 2 यहाँ लिख देंगे और फिर 0 आएगा यहाँ तो यहाँ भी 0 आ जाएगा और कुछ नहीं। तो ये हम कहेंगे कि 27 से डिवाइड किया तो 20 मिनट प्राप्त हुआ। 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट 540 समाप्त हो जाएगा, शेष अब कुछ नहीं है। तो 13 डिग्री और 20 मिनट अर्थात हम लोगों ने क्या देखा कि एक नक्षत्र का मान है, एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री और 20 मिनट ये हमको प्राप्त हो गया। पीछे हम लोगों ने अंशात्मक विस्तार पढ़ा है इसीलिए हम आज अंशात्मक विस्तार आपको नहीं पढ़ाएंगे। आप लोग पीछे के पाठ को पढ़िए, फलित ज्योतिष में हमने अंशात्मक विस्तार 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक, अश्वनी 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक, भरनी, ये हमने बताया हुआ है। यहाँ हम आगे बढ़ेंगे, उससे आगे चलेंगे क्योंकि वो आपको मालूम है। तो अब ये एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट हो गया और हम जानते हैं कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं तो हमको एक चरण का मान भी जानना जरूरी है। तो एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है ये हम लोग जान चुके हैं। अब यदि 4 चरण की बात होगी तो 4 चरण कैसे प्राप्त होगा, 13 डिग्री 20 मिनट और भागा 4। अब यहाँ 4 से जब हम 13 डिग्री 20 मिनट को भाग देते हैं तो सबसे पहले हम लोग सरल हो जाए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 13 डिग्री को मिनट में ही बदल लेते हैं। तो ये मिनट में बदल लेंगे तो 13 गुना 60 और प्लस 20 ऐसा लिख देंगे तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 18 और फिर 6 1 6 और 1 7 और ये 0 आ जाएगा तो 780 और प्लस 20 मिनट, ये जो हमने 13 डिग्री 20 मिनट अर्थात ये कितना आ गया हमको 800 मिनट। तो एक नक्षत्र का मान 800 मिनट होता है, हम डिग्री में जब उसको परिवर्तित, डिग्री को जब हम मिनट में परिवर्तित करते हैं तो 800 मिनट होता है। अब इस 800 मिनट को यदि हम 400 से भागा दे दें तो हमको 200 मिनट प्राप्त होता है। ये बहुत सरल है, इसको आप यहाँ से यदि 400 से भागा देंगे दो बार में 8 जाएगा, यहाँ 0 आएगा कुछ नहीं तो फिर यहाँ 0 आएगा तो फिर यहाँ 0, यही 200 मिनट हमको प्राप्त होता है। अर्थात 200 मिनट का एक चरण होगा, यहाँ हम लोग देख लें एक चरण कहेंगे। अब एक चरण प्राप्त हो गया 200 मिनट का, यदि हम उसको आगे बढ़ते हैं, यदि हम उसको कहें कि डिग्रियों में परिवर्तित करना है तो फिर क्या करेंगे, 200 मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे तो तीन बार में 180 आएगा तो यहाँ पे बचेगा 20 अर्थात 13 डिग्री और 20 मिनट, यही हो जाएगा तीन डिग्री 20 मिनट। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण होता है, एक चरण। तो ये भी हम लोगों ने देख लिया कि 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण होता है। बहुत सरल है समझना लेकिन आप थोड़ा बहुत गणित जरूर करें। तो हम चरण को भी प्राप्त कर लिए क्योंकि आगे जो हम बताएंगे वहाँ चरणों की चर्चा होगी।
तो हम क्या करते हैं कि अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ग्रहों को हम कैसे समझेंगे कि किस नक्षत्र में स्थित है, तभी तो हम उसके भोगांश को भी समझ सकेंगे कि ग्रहों के भोगांश से ही हम नक्षत्रों की जानकारी ले लेंगे और फिर वो नक्षत्र किस राशि के अंतर्गत आता है वहाँ उसको स्थित करना सरल होगा। और भी जानकारियाँ हमको नक्षत्र के कैलकुलेशन से प्राप्त होगा। अब हम लोगों ने देखा कि एक 27 नक्षत्र है और एक नक्षत्र का मान हमको पहले से प्राप्त हो गया, ये 13 डिग्री 20 मिनट का, और एक चरण का मान प्राप्त हो गया हमको 3 डिग्री 20 मिनट। अब आगे बढ़ते हैं कि हम ये गणितीय पद्धति से क्यों पढ़ा रहे हैं, इसकी आवश्यकता कहाँ होगी। तो मान लीजिए कि सूर्य, हर एक ग्रह सूर्य से लेकर के शनि तक, सभी ग्रह किस नक्षत्र में और कौन से चरण में स्थित है, ये ज्योतिष में जानना जरूरी है। अगर आप इतना समझेंगे कि ये फलाने नक्षत्र में है तो वहाँ से भी कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा, और सारे ग्रहों का नक्षत्र और चरण आप कैसे प्राप्त करेंगे ये समझिए। तो मान लिया जाए कि हम सूर्य की बात कर रहे हैं कि सूर्य जो है 6 sin pass 10 डिग्री का है, किसी के भी पत्रिका में स्थित है, या आज सूर्य 6 sin pass 10 डिग्री का है, तो ये कौन से नक्षत्र में होगा ये जानना है। तो सूर्य का नक्षत्र ज्ञात करना है। मान लीजिए किसी जातक का जन्म जब हुआ तो सूर्य 6 sin pass 10 डिग्री का था, तो जातक को का सूर्य किस नक्षत्र में है ये समझना है। तो अब आ जाइए 6 sign को, तो पहले हम आपको बता देते हैं कि क्या करना होगा। तो ये जो सूर्य का भोगांश है डिवाइडेड बाय नक्षत्र का भोगांश, एक नक्षत्र का भोगांश, तो यहाँ आप पहले इसको समझ लीजिए, ग्रहों का भोगांश उस समय जितना भोग लिया है ग्रह ने, जितने अंशकला में स्थित हैं, और भाग एक नक्षत्र का मान, एक नक्षत्र का मान। अब हम यही हमको बता देगा कि कौन सी संख्या में है, क्या कौन से नक्षत्र संख्या में ग्रह स्थित हैं और वो संख्या किस नक्षत्र के लिए है। तो ग्रहों का भोगांश अभागा 13 डिग्री 20 मिनट, तो ग्रह का भोगांश है 6 sin pass 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 13 डिग्री 20 मिनट। अब इसको भी हम लोग डिग्री में बदलते हैं फिर मिनट में बदल लेंगे, तो 6 sin pass अर्थात 6 × 30 प्लस 10 डिग्री और डिवाइडेड बाय 3 डिग्री 20 मिनट। तो अब ये सारा मान डिग्री में आ गया, तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं 190 डिग्री, ये 180 और थोड़ा सा समझिए, 180 प्लस 10 और डिवाइडेड बाय 13 डिग्री 20 मिनट। अब हम इसको, ये जो 180 डिग्री है और 10 डिग्री है, इसको प्लस कर लेते हैं, तो 190 डिग्री और डिवाइडेड बाय 13 डिग्री 20 मिनट। चूँकि हमको यहाँ हमेशा 20 मिनट आ रहा है तो डिवाइड करने में परेशानी नहीं हो, तो इसको 60 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब हमको ये प्राप्त हो जाएगा। तो 9 6 4 और 6 1 6 और 5, 9 6 54 का 4 हो गया, हाथ में 5 है, और 6 1 6 और 5, और ये 0 हम यहाँ रख देते हैं। हम थोड़े सरल विधि से कर लेते हैं, आप लोग को भी पता होगा, आप लोग भी कर लेंगे। अब डिवाइडेड बाय 13 डिग्री 20 मिनट को अगर हम मिनट में बनाएं तो 13 डिग्री मल्टीप्लाइड 60 प्लस 20 मिनट। तो अब ये इसको कर लेते हैं, तो 6 3 18 और 6 1 6 और 1 तो 2 हो जाएगा। अब ये 0 हम रख लेते हैं प्लस 20 डिग्री, क्षमा चाहेंगे, यहाँ 7 हो जाएगा, 6 1 6 और प्लस 1 7। अब ये 780 प्लस 20 अर्थात
यहाँ फिर लिख लीजिए 1140 डिवाइडेड बाय 800। तो ये हमने पहले भी देखा था कि नक्षत्र का मान 800 था, इसको कैसे बदलते हैं, यूनिट का इस्तेमाल, इकाई का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो हमने आपको बताया। अब इसको हम भाग देते हैं, हमको लगता है कि हम इसके इसको फिर से चेक करना चाहिए। तो 180 डिग्री प्लस 190 डिग्री, 9 6 के 54 5 और फिर 6 5 11। अब यहाँ फिर हमको आ गया ये 2 जीरो लगेगा, इतना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 11400 मिनट डिवाइडेड बाय 800 मिनट, तो अब इसको यहाँ ऐसे सरल प्रक्रिया में कर लीजिए, 11400 डिवाइडेड बाय 800। तो एक बारी में पहले ले चलिए 800, तो ये 0 4 में से 4 और ये 11 में से 8 गया 340, और फिर ये 0 हमारा यहाँ आ जाएगा, तो ये 32 और फिर यहाँ शेष बचता है 200। तो हम क्या देखते हैं कि 14 हमको शेष प्राप्त होता है, भागफल प्राप्त होता है, अर्थात ये 14वां नक्षत्र है। 14 हमको यहाँ भागफल प्राप्त होता है और ये 200 शेष बच जाता है। तो हमको जो भागफल प्राप्त हो, तो 14 प्राप्त हुआ उसमें एक जोड़ देंगे तो वही नक्षत्र 15वां नक्षत्र में सूर्य स्थित है। अब ये 15वां नक्षत्र में स्थित है, ये हमको प्राप्त हो गया, क्योंकि जितना भागफल है प्लस वन, क्यों, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर शेष बचता है, अर्थात सूर्य उससे आगे निकल चुका है। 14 तो हमको पूर्ण संख्या प्राप्त हो गया, उससे आगे निकल चुका है, तो ये 15वां नक्षत्र में है। तो 15वां नक्षत्र में है तो कौन सा नक्षत्र होगा ये भी जानेंगे। तो हमारा क्या आता है कि 14 नक्षत्र पास है और 200 मिनट, अर्थात ये एक चरण है। तो 15वें नक्षत्र के 15वें, आप समझ सकते हैं कि हम एक चरण का मान 200 मिनट होता है, 3 डिग्री 20 मिनट को यदि आप बदलिएगा तो 200 मिनट होगा। तो 15वें नक्षत्र में के पहले चरण में सूर्य स्थित है, ये हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब ये 15वां नक्षत्र कौन सा है ये आप लोगों को याद ही होगा, नहीं तो हम लोग उसको फिर से समझते हैं। 9 नक्षत्र का एक खाना बनाया था 120 डिग्री का, वहाँ हम आपको नक्षत्र के अंशात्मक विस्तार में, और फिर 9 नक्षत्र का दूसरा, तो पहला अश्विनी से शुरू हुआ था और दूसरा मघा से। तो हम लोग देखते हैं मघा ये हो जाता है हमारा 10वां। अब आपको ये याद रखना है, अगर मान लीजिए कि याद नहीं है तो पीछे के पाठ को जाकर के अंशात्मक विस्तार एक बार पढ़ना चाहिए। मघा के बाद आ जाएगा पूर्वा फाल्गुनी, 12 नंबर उत्तरा फाल्गुनी, 13 हस्त, 14 हस्त चित्रा और 15वां स्वाति। तो हमको क्या प्राप्त हुआ कि स्वाति नक्षत्र में के पहले चरण में, अब 15वें नक्षत्र का अर्थ ही हुआ हमारा स्वाति। तो यहाँ स्वाति नक्षत्र के पहले चरण लगभग अब वो पास ही करने वाला है, 200 हमको शेष आया है। तो सूर्य कहाँ है, स्वाति नक्षत्र के पहले चरण में। इसी तरह से कोई भी ग्रहों का जो भोगांश है, आप इसको नोट कीजिए, ग्रहों का भोगांश भागा नक्षत्र, एक नक्षत्र का मान। तो ग्रह के भोगांश जितने भी हों उसको, जैसे कि वर्तमान समय में मान लीजिए कि शनि धनु राशि में स्थित है, तो हम कहते हैं 8 साइन पास और मान लीजिए 20 डिग्री का शनि है ये। अब इसको डिवाइडेड बाय 13 डिग्री 20 मिनट से हम कर लेंगे और प्रक्रिया वही अपनाएंगे। सबसे पहले एक साइन, अर्थात एक राशि गत है, 8 राशि गत है, तो 8 को 30 से मल्टीप्लाई करके डिग्री में बना लेंगे।
फिर उसमें ये 20 जोड़ेंगे, फिर उसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में बना लेंगे, और यहाँ तो 800 मिनट होता ही एक नक्षत्र का मान, इसको भी मिनट में बदल के डिवाइड करेंगे। जो पूर्ण संख्या प्राप्त होगा उसमें एक जोड़ने पर वर्तमान जिस नक्षत्र में ग्रह गोचर कर रहे होंगे वो हमको पता चल जाएगा। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीका है नक्षत्र जानना, कि कौन से नक्षत्र में ग्रह गोचर कर रहे हैं, वो कितने। और यदि मान लीजिए कि सुबह 5:30 बजे का समय आपके पास पंचांग में प्राप्त होता है कि फलाना ग्रह इतने डिग्री का, फलाना ग्रह इतने डिग्री का, और किसी बच्चे का 11 बजे जन्म होता है, तो उतने समयांतराल में ग्रह कितना चलता है ये ग्रह स्पष्ट में समझ में आएगा। तो हम लोग बहुत आसानी से गणित ज्योतिष को भी समझ सकते हैं। इसमें बहुत, हम कहते हैं कि कोई परमाणु का फार्मूला नहीं लगना, बहुत आसान है और आसानी से आप समझ सकते हैं। तो नक्षत्रों को जाना, नक्षत्र चरण को जाना, अब जितने ग्रहों के भोगांश हैं उसमें अब चंद्रमा के भी भोगांश निकालने प्राप्त है हमको, तो हम उसमें भी 13 डिग्री 20 मिनट से डिवाइड करेंगे तो जन्म समय में नक्षत्र हमारा क्या था वो प्राप्त हो जाएगा। तो हम बहुत आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं। हमको उम्मीद है कि पाठ आपको सरल लग रहा हो, और यदि गणित में भी कोई परेशानी हो तो आप हमसे प्रश्न कीजिए, कमेंट में लिखिए, हम आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।